ऑनलाइन कार एक्सेसरी सर्च किया है तो ये सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर जरूर देखा होगा। आज ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में सीट बेल्ट रिमाइंडर होता है जिसे ये अलार्म स्टॉपर बाईपास करता है, पर अब नहीं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या CCPA ने इंडिया की टॉप 5 ई कॉमर्स वेबसाइट को ये सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर अपनी वेबसाइट से हटाने का ऑर्डर दिया है। मौत के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2021 में सीट बेल्ट ना पहनने से 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। WHO के अकॉर्डिंग सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट्स में डेथ के रिस्क 50% तक कम हो जाते हैं, और इसी हैबिट को इन्फोर्स करने के लिए और आपको सेफ रखने के लिए होता है सीट बेल्ट रिमाइंडर। हालांकि ये अलार्म स्टॉपर को बैन करना सही एक्शन है, बट ये काफी नहीं है, क्योंकि पहला, एक तो ये अलार्म स्टॉपर अभी भी ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन साइट्स में मिल रहा है। दूसरा, चाहे जितना भी अलार्म लगा लो, लोग उसे बाईपास करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। हमें यहाँ जरूरत है पब्लिक में सेफ्टी की अवेयरनेस जगाने की। तो बकल अप, स्टे सेफ, और कॉन्टेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू कास्ट 24।